आपके साथ जानवी यादव, मोदी सरकार में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं जिनके पास कोरोना को कंट्रोल करने का ना तो कोई रोड मैप है और ना ही कोई ठोस योजना। वो आते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और सरकार की उपलब्धियों की गौरव गाथाओं का जिक्र कर अपनी महान जिम्मेदारियों की खानापूर्ति करते हैं। ऐसे ही एक नमूने हैं डॉक्टर वीके पॉल। आप इन्हें टीवी पर हर रोज देखते होंगे। जनाब गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के एम्पावर्ड ग्रुप के अध्यक्ष। शनिवार को ब्रीफिंग करते हुए जनाब ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आज हमारे देश में कोरोना बीमारी के मामले 29 लाख कम हैं तथा लगभग 71,000 मौतें होने से बच गई। डॉक्टर पॉल का आकलन कितना सटीक होता है ये आप इस बात से जान सकते हैं कि जनाब ने अप्रैल में भविष्यवाणी की थी कि 15 मई को भारत में कोरोना मामले शून्य हो जाएंगे। कल यानी शनिवार को उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली और कहा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और जो दूसरी बात आपने करी है वो एक ग्राफ दिखाया गया था, हम उस दिन शेयर कर रहे थे कि जो उस दिन की सिचुएशन थी महीने के ऊपर, जैसे हम देख रहे थे स्लो होना शुरू हो गया था और हमने ये भी कहा था कि आगे स्लो होना चाहिए, लेकिन जो ग्राफ में जो वो लाइन थी वो एक मैथमेटिकल ट्रेंड लाइन है। और जब हम ऐसे मैथमेटिकल डेटा दिखाते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि उसके जो बेसिस है वो दिखाया जाए। एक ये कस्टमरी है, साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है कि ट्रेंड लाइन को दिखाते हैं। लेकिन आप उस ट्रांसक्रिप्ट को चेक करिए, ना किसी ग्राफ पे से ज़ीरो वर्ड है, ना मैंने कहा कभी उस दिन किसी भी स्टेज पे कि ज़ीरो होगा बाय अ पर्टिकुलर डेट। ये सब मन में बनती गई चीज़ें। मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसको आप इसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई। कोई क्लेम नहीं कहा गया कि इस डेट तक ज़ीरो होगा, यही कहा गया कि स्लो हुआ है, आगे देखते हैं। और ये क्लेम बिल्कुल नहीं था और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसको आप करेक्शन होनी चाहिए और जो गलत फहमी हुई है उसके लिए आई फील सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, बट वो नहीं था, कन्वे करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। तो सवाल है कि डॉक्टर पॉल ने अब ये जो नया ज्ञान परोसा है उसकी विश्वसनीयता कितनी है? क्या ये उस आशंकाग्रस्त देश के लिए कोई सांत्वना है जहां मामले चीन, इटली, स्पेन को पीछे छोड़ते हुए 1,25,000 पहुंच रहे हैं? क्या ये उन 3,500 से ज्यादा परिवारों के आंसू पोंछ सकेगा जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है? आखिर अमेरिका की तरह सरकार इस पर कोई शोध या श्वेत पत्र क्यों नहीं ले आती कि 31 जनवरी को देश में पहला मामला आने के 3 सप्ताह बाद भी यदि नमस्ते ट्रंप रद्द कर दिया जाता और प्रवासी मजदूरों व अन्य नागरिकों को पर्याप्त समय देकर घर पहुंचाकर लॉकडाउन फरवरी में लागू कर दिया जाता तो देश में आज मामले कितने कम और मौतें नगण्य होती, साथ ही हमारे प्रवासी मजदूर कितनी अकथनीय यातना से बच गए होते। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट के द्वारा भाजपा सरकार बन जाने तक का इंतजार किए बिना मार्च के शुरू में लॉकडाउन हो जाता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। संदिग्ध विशेषज्ञता वाले नौकरशाहों को आगे करने की बजाय अनेक दूसरे राष्ट्राध्यक्षों की तरह आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस महासंकट की घड़ी में स्वयं मीडिया के सामने आकर देश की जनता के मन में उमड़ते घुमड़ते सवालों का सामना क्यों नहीं करते? पिछले दिनों जब उन्होंने राष्ट्र को एक तरफा संबोधित भी किया तो उनको सुनते हुए लगा ही नहीं कि हम एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं जहां महामारी के चपेट में आने वालों का आंकड़ा खतरनाक ढंग से पीक की ओर बढ़ रहा है, जहां पूरा देश दहशत और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है, जहां करोड़ों प्रवासी मजदूर देश के राजमार्गों और रेल की पटरियों पर कटते मरते, भूखे प्यासे घिसटते घर पहुंचने और जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। उनके भाषण में ना तो सांत्वना के दो शब्द निकले और ना ही कोई योजना। देश जानना चाहता था कि भयावह रफ्तार से बढ़ती महामारी को लेकर प्रधानमंत्री का क्या असेसमेंट है, इसे कंट्रोल करने का क्या रोडमैप है। लॉकडाउन के इतने लंबे दौर के बाद अब इस स्टेज पर क्या कुछ नया ठोस प्रयास, नई योजना है? लेकिन महामानव प्रधानमंत्री ने इन सब सवालों पर रहस्यमय चुप्पी साधे रखी। हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए का झुंझना जरूर थमाया है। वो लोग
जो इस समय गर्मी की चिलचिलाती धूप में भूख प्यास झेलते हुए अपने घरों को लौटने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बेरोजगारी और भूख से मरने के डर से अपने बच्चों को सीनों से चिपकाए हुए हैं, उन्हें कौन और कैसे समझाएगा कि 20 लाख करोड़ रुपए वास्तव में कितने होते हैं, 2 के अंक के बाद कितने शून्य लगाने पड़ते हैं और क्या वो किसी मदद के लिए शून्य में ताकते हुए दम तोड़ देंगे या उनके पल्ले भी कुछ पड़ेगा। फिलहाल आप सब बाघों के हवाले हैं, जो स्वामी भक्ति के आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए आधे अधूरे मन से खानापूर्ति कर रहे हैं। देश आज जब सांस रोके तबाही के मंजर का इंतजार कर रहा है, तब अमित शाह के अधीनस्थ अधिकारी डॉक्टर पॉल का ये बयान कि लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, घायल देश के रिश्ते घाव पर मिर्च लगाने जैसा है। ये एक संवेदनहीन अदूरदर्शी अक्षम नेतृत्व की विराट विफलता को ढकने और डैमेज कंट्रोल का डेस्परेट इफॉर्ट है, जो ये दिखाता है कि सरकार ने लोगों को मरता हुआ छोड़ देने का मन बना लिया है। तो ये थे हमारे आज खास रिपोर्ट से खबरों के लिए, देखते रहिए अच्छा न्यूज। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।